अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद 946। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शटरस्टॉक पे अपनी इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्या वे है कि आप अपनी इमेजेस अपलोड करके सेल आउट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं हो रही होती। अगर वो अपलोड हो भी जाएं तो शटरस्टॉक उनको अप्रूव नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इमेजेस, अपने फोटोज, अपना इलस्ट्रेटर्स, अपना आर्ट कैसे शटरस्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं। तो क्या वो वे है और क्या हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से शटरस्टॉक हमारी इमेजेस, हमारे वेक्टर, हमारी इलस्ट्रेटर्स, हमारे ग्राफिक्स जो हम अपलोड करते हैं शटरस्टॉक पे, तो वो नॉट अप्रूव का साइन दे देता है। तो क्यों और किस वजह से ये नॉट अप्रूव का साइन देता है और क्यों नॉट अप्रूव करते हैं ये, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आप कैसे साइनअप करेंगे, साइनअप करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इस टाइप की अर्निंग वाली वीडियो अपलोड होती रहती है कि आप कैसे बगैर अपना टाइम वेस्ट किए और बगैर कुछ अपना इन्वेस्ट किया आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते अपने लैपटॉप की तरफ। तो अब जैसे ही हम लोग गूगल पे आते हैं तो गूगल पे हम टाइप करते हैं शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। तो शटरस्टॉक को यहाँ पर टाइप करते हैं तो हमारे पास शटरस्टॉक भी आता है, शटरस्टॉक के साथ साथ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर भी हमें शो करते हैं। तो हम डायरेक्टली शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे चले जाते हैं। शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे हम जैसे ही जाएंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे के आप कौन सा चूज़ करेंगे। ये बाय द वे हैं सारे शटरस्टॉक के। हम फर्स्ट वाला यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का पेज सामने हमें शो करते हैं। तो अगर आपने इसको डीपली पढ़ना है तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें और इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर साइन अप करते हैं। जिसका अकाउंट है तो वो डायरेक्टली लॉग इन करेगा, अगर जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका फुल नेम जो होगा आप वो डालेंगे, आपका डिस्प्ले नेम जो होगा आप वो डालेंगे। भाई देखिए, जो फुल नेम आपने डालना है, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप अपने आईडी कार्ड का सेम नेम फुल नेम डालें, ताकि आपका जो अर्निंग होगी वेरिफिकेशन जब होगी शटरस्टॉक की तरफ से तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है अपना जो भी है, उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास शायद ईमेल भेजें आपको, आपको अकाउंट एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ से आके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो पेज सामने खुलता है, पेज जब सामने ओपन होता है तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी अर्निंग जो शो होती है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो इस वजह से 00। तो यहाँ पर 90% प्रोफाइल मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली जो इमेजेस अपलोड की हैं, तो क्यों इसमें क्या मिस्टेक्स वगैरह जो मैंने किए हैं जिसकी वजह से मेरी इमेजेस नॉट अप्रूव्ड गई हैं। अब ये जो नॉट अप्रूव्ड हुई हैं तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया कि मेरी ये इमेजेस क्यों अप्रूव नहीं हुई। हालांकि इमेजेस जो हैं ये मेरी अपनी भी हैं और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपको जो नॉट अप्रूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपको रीजनिंग बता रहे होते हैं, यहाँ पर सारी आपको रीजनिंग बता रहे होते हैं कि किस वजह से आपकी फ़ोटो नॉट अप्रूव की गई है। अगर आपको अपलोड करनी है इमेज, सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल सेट कर लें। अपना प्रोफाइल सेट करने के बाद अगर आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है तो ज़रूर कीजिए। तो पोर्टफोलियो आप यहाँ से शो होगा, आपका पोर्टफोलियो आपका यहाँ से बिल्कुल जिस तरह आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं वो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो बन जाता है। तो आप अपना प्रोफाइल वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद इमेजेस आप अपलोड करते हैं, इमेजेस या वीडियोस
वो आप तक है कि आप इमेज अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको जब समझाने के लिए एक इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगा आपको। तो अपलोड इमेज में चला जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक इंटरफेस ऐसा देखने को मिल जाता है कि आपकी जो फाइल होनी चाहिए, मतलब जो इमेज होनी चाहिए, वो JPEG में होनी चाहिए। आपकी जो फाइल साइज़ होना चाहिए वो एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल्स का होना चाहिए ताकि आपकी फ़ाइल अपलोड हो। अगर आपकी फ़ाइल 4 मेगापिक्सल से MP से कम होगी तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते तो सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक इमेज अपलोड हो चुकी है। तो जैसे आपकी इमेज अपलोड होगी तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा देगा, तो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब आ जाएगा जहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी जो फ़ोटो है इस फ़ोटो का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप इमेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास यहाँ पर साइड पे कैटेगरीज, डिस्क्रिप्शन, आपकी फ़ोटो है या इलस्ट्रेटर है, यहाँ पर आपने सोच समझ के चूज़ करना है। जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं वहाँ यहाँ पर आके कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फ़ोटो होती हैं वो नॉट अप्रूव्ड होती हैं। तो यहाँ पर मेरी ये जस्ट फ़ोटो है। यूजेज एडिशनल कमीशनल आप जो भी करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो आप देंगे यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वो देंगे जो आपकी पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। आपकी जिस जो पिक्चर है, आप एक बार जाके शटरस्टॉक पे ज़रूर इस पर सर्च करें कि आपकी इमेज किस बारे में है और बाकी लोगों ने किस तरह की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप ज़रूर जाके एक बार चेक करिएगा। मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिल आउट करेंगे। यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन मैंने फिल आउट कर ली। तो अब यहाँ पर आपने कैटेगरी देखनी है, 2 कैटेगरीज आपको दी गई हैं, तो आप एक भी चूज़ कर सकते हैं और 2 भी चूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट कैटेगरी में जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड भी है ये, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। और सेकंड कैटेगरी जो यहाँ पर है ये मैं आउटडोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो लोकेशन आपने देनी है, तो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है ये। तो उसके बाद आप टैग्स पे आ जाते हैं, कीवर्ड्स टैग्स। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें नीचे कीवर्ड्स ऑलरेडी गिवन दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, आप जो भी आपको लगता है कि आप यहाँ पर टैग लगा दें आपकी पिक्चर के मुताबिक हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर उठा के टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सारे टैग्स एक बार लगा देता हूँ। अब लाजमी नहीं है कि जो कीवर्ड्स ये आपको देते हैं कि आप वही लगाएं, आप ख़ुद के कीवर्ड्स भी लगाएं, बट वो लगाने हैं कीवर्ड्स जो पिक्चर के मुताबिक हुए हों। तो अगर आपने और कीवर्ड फाइंड करने हैं तो यहाँ पर आपको मोर फाइंड मोर कीवर्ड्स का ऑप्शन दे रहा है। आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ड्रम की पिक्चर थी, तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रम्स आ चुके हैं। अब ये मुझे बोला कि आप 2-3 पिक्चर सेलेक्ट करें, तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे मैं पिक्चर सेलेक्ट करता जा रहा हूँ तो साथ में मेरे पास रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे दिखाता जा रहा है। तो आप ऐसे भी आके अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स लगा लेता हूँ। तो कीवर्ड्स में आपको 50 कीवर्ड्स देने के, तो आप 50 कीवर्ड्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट 32 कीवर्ड्स अभी दिए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। आप 50 के 50 पूरे यहाँ पर कीवर्ड्स दें, तो जब आपकी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट हो जाए तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो पिक्चर होगी ये पेंडिंग में चली जाएगी। तो कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, या 1 दिन बाद, या 2 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों में शटरस्टॉक आपकी पिक्चर अप्रूव कर देती है, या अप्रूव कर देती है या फिर नॉट अप्रूव कर देती है। वो अब तक होगा कि आप किस टाइप की पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, फिर कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं या कौन सी मिस्टेक आपने नहीं की जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो जो है वो शटरस्टॉक पे अपलोड हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शटरस्टॉक पे अपनी इमेजेस अपलोड नहीं कर पाते, तो इसकी मेन एक वजह यह भी है कि वो
डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ टाइटल और ये सब कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं। दूसरा जो शटर स्टॉक की प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती है तो वो हम ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारी फोटोज और वीडियो जो होती है वो नॉट अप्रूव्ड हो जाती है। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।